नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लॉर्ड्स पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम बात करने वाले हैं, ये जो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली जो है, इसके द्वारा हाल ही में जो जूनियर जुडिशियल के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था, तो इसके बाद जो है यहाँ पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट जो लिस्ट है जिनका आगे इंटरव्यू होना है, तो उनकी लिस्ट आ चुकी है और किस किस डेट में किसका एग्ज़ाम है, कौन सा इंटरव्यू है, किस किस का इंटरव्यू है, तो ये सभी जो इसमें दिखाया गया है। और इसके साथ ही अगर आपने रिजल्ट नहीं देखा है तो इस वीडियो में हम वो भी देखने वाले हैं, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। इस समय हम ये जो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली जो है, इनकी मेन जो वेबसाइट है, हम इस पर हैं और दिल्ली हाई कोर्ट डॉट एन एस सी डॉट इन से सर्च करके आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं, या फिर इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। जैसे जब आप इनकी वेबसाइट पर आओगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा पब्लिक नोटिस वाला, तो ये वाला आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा और इसी के नीचे मोर वाला ऑप्शन है, और जैसे जब हम इस मोर वाले ऑप्शन के ऊपर जो आप क्लिक करेंगे तो पूरा पेज जो आपके सामने आ जाएगा। अब ये पूरा पेज आपके सामने यहाँ पर आ चुका है और इसमें अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, नोटिस रिगार्डिंग डेट ऑफ स्टेज फॉर ये इंटरव्यू और जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट रजिस्ट्रार ओपन एग्जाम 2020, और उसके बाद ये यहाँ पर ये आपका रोल नंबर वाइज कंप्लीट रिजल्ट स्टेज 3 क्वालिफाइंग स्टेज इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट ये भी दिया गया है, तो और इसका जो लिंक है ये यहाँ पर साइड में दिया गया है। पहले आपका रिजल्ट देख लेते हैं, उसके बाद ऊपर ले वाली जो लिस्ट है उसको देखेंगे। तो आपका जो यहाँ पर ये स्टेज 3 का जो यहाँ पर रिजल्ट है, पहले हम उसे देख लेते हैं। तो ये जो आपकी यहाँ पर स्टेज 3 वाली लिस्ट है, रोल नंबर वाइज कंप्लीट रिजल्ट ऑफ स्टेज 3 इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट अलोन 19/3/22 20/26/27 तारीख को, और ये आपकी जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट रजिस्ट्रार ओपन एग्जाम 2020। तो ये आपकी यहाँ पर लिस्ट थी और इसमें यहाँ पर मेन रोल नंबर है, फॉर्म नंबर, नेम, फादर नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन, टोटल वर्ड्स टाइपिंग इन 10 मिनट में, और ये स्पीड है आपकी 35 वर्ड पर मिनट वाली, और इसी तरीके से यहाँ पर ये आपके साइड में रिमार्क्स है, आप इसके लिए फेल हो या पास हो। तो ये जारी हुई थी और 62 पेज में जो है ये जारी हुई थी, तो ये आपका यहाँ पर रिजल्ट था। इस तरीके से आप अपनी लिस्ट ये चेक कर सकते हैं, और साइट पर हम वापस चलते हैं। और अब जो यहाँ पर आपका जो स्टेज 4 के लिए जो ये जो लिस्ट आई है उसको देख लेते हैं, और डाउनलोड करने का लिंक यहाँ पर है। ये आपकी स्टेज 4 की जो यहाँ पर लिस्ट जो आई आ चुकी है, नोटिस है यहाँ पर, इट इज़ नोटिफाई फॉर इंफॉर्मेशन आर कंसर्न स्टेज 4 इंटरव्यू मेंशन इन दी वैकेंसी नोटिस डेट 3/2020 ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव पास द स्किल टेस्ट ऑफ स्टेज 3 इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट ऑफ जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट रजिस्ट्रार ओपन एग्जाम 2020 में, जो आपके 24 से लेकर और ये 3/7/2022 तक चलेंगे। तो ये आपकी डेट ऑफ इंटरव्यू है, डिटेल ऑफ बैच, नंबर ऑफ कैंडिडेट, तो किस डेट में कितने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो सभी में 85-85 कैंडिडेट जो उनको बुलाया जाएगा, और ये यहाँ पर डिटेल है, सीरियल नंबर 1 से 85 तक, उसके बाद 86 से 177, तो इस तरीके से यहाँ पर ये बुलाया जाएगा। और द लिंक फॉर डाउनलोड एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल इन दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ कोर्ट। और इसे आप ये पढ़ सकते हैं। और लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और फॉर जुडिशियल सर्विस असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम 2020। ये आपका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और ये यहाँ पर रोल नंबर है, इसमें मेन रोल नंबर, फॉर्म नंबर, नेम, फादर नेम, और ये आपकी यहाँ पर लिस्ट ये जारी हुई है, लगभग जो 15-20 पेज में आपकी लिस्ट ये जारी हुई है।
तो इसमें आप अपना नाम रोल नंबर चेक कर सकते हैं जिनका आगे अब इंटरव्यू होगा। तो 766 यहाँ पर ये कैंडिडेट हैं, 766 कैंडिडेट हैं जिनका आगे आगे जो है स्टेज 4 के लिए बुलाए जाएंगे। तो ये जो हाल ही में महत्वपूर्ण जो अपडेट है ये दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा जारी की गई है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को सबसे पहले पाने के लिए। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।